फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान अपने सौम्य शांत व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। बस एक राज खोसला का अगर किस्सा छोड़ दूं मैं, शुरुआत के दिनों का, सीआईडी के टाइम का, तो उनके साथ काम करते हुए कभी भी किसी भी फिल्मकार और निर्देशक को या उनके कलीग्स को कभी कोई शिकायत नहीं, और ना ही वहीदा रहमान ने किसी की शिकायत की। कई बार ऐसा हुआ कि शॉट के लिए तैयार हो जाती और एक्टर्स लेट आते, मगर दोस्तों जब भी गाहे बगाहे उन्हें गुस्सा आ जाता था या वो किसी की इनडिसिप्लिन या लैक ऑफ पंक्चुअलिटी से परेशान हो जाती थी, तो उसको सबक सिखाना भी वो अच्छे से जानती थी, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। उनके इस गुस्से का सामना एक बार संजीव कुमार को करना पड़ा। संजीव कुमार हरिभाई सेट पर देरी से आया करते थे, जिसकी वजह से सभी बड़े परेशान होते थे। टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तब आजिज होकर फिल्म के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वहीदा जी को रिक्वेस्ट की, वहीदा जी प्लीज कुछ कीजिए, आप ही कुछ सबक सिखाइए। गुस्से से भरी बैठी वहीदा जी ने पूछा, क्या करना चाहिए बताओ। तब उसने उन्हें कहा, जैसे ही संजीव जी आए आप सेट से गुस्सा होकर चली जाएं। वहीदा जी गुस्से में तो थी, मगर उन्हें लगता था कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करने का फैसला लिया कि यार जरा उनसे भी बात कर लूं मैं। दोनों से बात करने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मंजूरी दे दी और ये फैसला लिया गया, ज्वाइंट डिसीजन कहते हैं ना, कि रोज रोज के नुकसान से अच्छा है कि एक ही दिन जितना नुकसान होना है वो हो जाए, कम से कम आगे के लिए तो ठीक हो जाए। अब इंतजार हो रहा था, वहीदा जी ने अपना सामान स्टाफ से कहकर ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रख दिया और इंतजार करने लगे संजीव कुमार का। जैसे ही संजीव कुमार जी ने एंट्री ली, तब सब ने वहीदा रहमान को कार में बैठकर बाहर जाने का इशारा कर दिया। वहीदा जी झट से कार में बैठ गई और ड्राइवर से घर चलने को कहा। संजीव कुमार जी की कार अंदर आ रही थी, वहीदा रहमान की कार बाहर जा रही थी। दोनों ने रास्ते में जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो संजीव कुमार ने उन्हें जाते देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया, हाथ हिलाकर बाय भी किया। अंदर पहुंचने पर पता चला कि वहीदा रहमान उनकी लेट लतीफी से तंग होकर गुस्से में वापस चली गई सेट छोड़कर। थोड़ी देर बाद जब वहीदा जी के पास फोन आया कि अब आप वापस आ जाइए, हरी भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वायदा किया है दूसरों के टाइम का और पैसों का प्रोड्यूसर के ख्याल रखेंगे। दोस्तों उस दिन तो वहीदा जी वापस नहीं आई, लेकिन ऐसा सुना है कि सारी घटना का डिजायर्ड इफेक्ट ही हुआ, पॉजिटिव असर हुआ और संजीव कुमार जी समय पर पहुंचने लगे सेट पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वहीदा रहमान के जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से, सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।